जय हिंद दोस्तों तो हम लोग बिहार ऐसे ऐसे सीजियल बेंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जिसमें हम लोग सामान्य धन से पचास क्वेश्चन कर रहे थे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसे ऑप्शन है राष्ट्रपति को संसद को केवल उच्च न्यायालय को और ऑप्शन डी है उच्चतम उच एवं उच्चतम उच एवं उच्चतम न्यायालय को उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोगों की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है ऑप्शन है अनुच्छेद तीन अनुच्छेद तीन अनुच्छेद तीन अनुच्छेद तीन तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद तीन हो जाएगा और अनुच्छेद तीन में क्या है राष्ट्रपति राष्ट्रपति आपात के बारे में है यानी राजकीय आपात के बारे में चर्चा किया गया है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान निर्माताओ के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है ऑप्शन है मूल अधिकार संविधान के प्रस्तावना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और भारतीय नागरिकता तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं चालीसवें संविधान संशोधन का एक उपबंध यह भी है कि एक यह एक मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता यह मूल अधिकार है ऑप्शन है।, है आबाद विचरण की स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन बी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन डी है अवसर की समानता का अधिकार तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों तथा इन अधिकारों की सीमित वास्तविकता से में बड़ा अंतर है यह किसने लिखा है ऑप्शन है प्रो पायली के डी राव डेविड एच बेली नॉर्मन डी पामर तो इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्मन डी पामर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करते हुए उन्हें संविधान की आत्मा कहकर किसने संबोधित किया था ऑप्शन है डॉक्टर बी आर डॉक्टर जाकििर हुसैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के इक्कीसवें संशोधन द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल की गई ऑप्शन है संस्कृत उर्दू सिंधी अंग्रेजी तो एक ऐसे संविधान संशोधन के द्वारा आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ बनाम सरकार के केस में दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन संशोधन किया गया ऑप्शन है बयालीसवें चौलीसवें चौबीस और ऑप्शन डी है कोई नहीं तो इसका उत्तर हो जाएगा बयालीसवें संविधान संशोधन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है ऑप्शन है सातवीं अनुसूची में आठवीं अनुसूची में नौवीं अनुसूची में और दसवीं अनुसूची में तो भाषाओं का उल्लेख जो है वो आठवीं अनुसूची में है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था ऑप्शन है पंद्रह अगस्त उन्नीस 22 बाईस नवंबर उन्नीस सौ बाईस मई उन्नीस सौ और ऑप्शन डी है बाईस जुलाई उन्नीस सौ तो इसका उत्तर हो जाएगा बाईस जुलाई उन्नीस सौ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीन कर देगा यह कथन किसने कहा था ऑप्शन है लॉर्ड वेबल लॉर्ड लिनिथको और लॉर्ड माउंट बेटन और ऑप्शन डी है सर स्टेफोर्ड क्रिप क्रिप्स तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड बेबल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि सत्ताईस मार्च सोलह सौ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को किस से लीज पर लिया था ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य स्पेन पुर्तगाल और फ्रांस तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी एस श्रीनिवास यंगर मदन लाल धिंगरा और विनायक दामोदर सावरकर तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखा गया था विनायक दामोदर तो सावरकर के द्वारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे पुराना रक्षा बल कौन सा है ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल असम राइफल्स राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तो इसका उत्तर हो जाएगा असम राइफल्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि सतारा को निम्नलिखित में से किस वर्ष में मिलाया गया था ऑप्शन है अठारह सौ अड़तालीस 1854। तो इसका उत्तर हो जाएगा अठारह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम अठारह के अधिनियम से पहले निम्नलिखित में से कौन भारत में न्यायिक संस्थानों संस्थानों के दो प्रतिद्वंदी समूह थे ऑप्शन है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन बी है राजस्व न्यायालय और सामान्य न्यायालय ऑप्शन सी है क्राउन कोर्ट और कंपनी कोर्ट ऑप्शन डी है जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय तो इसका उत्तर हो जाएगा क्राउन कोर्ट और कंपनी कोर्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला तो क्वेश्चन है कि अठारह में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को किस अधिनियम में ने मान्यता दी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम अठारह भारतीय परिषद अधिनियम अठारह भारत सरकार अधिनियम अठारह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम अठारह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल दादा भाई नौरोजी सुरेंद्र नाथ बनर्जी रास बिहारी बोस तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने आठ मंत्रियों के परिषद का गठन किया था उस परिषद का नाम क्या था ऑप्शन है न्याय प्रधान अष्ट सेना अष्ट सिद्धि और अष्ट प्रधान तो इसका उत्तर हो जाएगा अष्ट प्रधान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की ऑप्शन है निजामुल मुल्क हैदर अली सदुल्लाह खान और टीपू सुल्तान तो इसका उत्तर हो जाएगा निजामुल मुल्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली राजकुमार को नेविगेटर उपनाम दिया गया था ऑप्शन है प्रिंस विलियम प्रिंस हेनरी प्रिंस कार्लोस और प्रिंस पेड्रो पेड्रोवी तो इसका उत्तर जाएगा प्रिंस हेनरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध में जनरल गिलेप्पी मारा गया था ऑप्शन है सुमात्रा की लड़ाई ऑप्शन बी है नल पानी की लड़ाई ऑप्शन सी है अम्बोरी की लड़ाई ऑप्शन डी है बर्मा की लड़ाई तो इसका उत्तर हो जाएगा नल पानी की लड़ाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार को सुरक्षित कर लिया ऑप्शन है अली नगर फैज़ाबाद इलाहाबाद और बनारस तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं ऑप्शन है, है सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र सम्यक दर्शन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी तो इसका उत्तर जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी ये तीनों है अगला क्वेश्चन है भारत तो और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है ऑप्शन है मैकमोहन लाइन डूरंड लाइन रेडक्लिफ लाइन और मैगी नोट लाइन तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडक्लिफ लाइन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है ऑप्शन है पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान श्रीलंका तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है ऑप्शन है ए हिमालय गंगा का मैदान दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान ऑप्शन बी है पर्वतीय प्रदेश हिमालय प्रदेश नदी घाटी प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश ऑप्शन सी है दक्षिणी पठारी पर, प्रदेश सागर तटीय प्रदेश द्वीपीय प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश ऑप्शन डी है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश वृहद मैदानी प्रदेश दक्षिणी प्राद्वीपीय प्रदेश और तथा सागर तटीय प्रदेश तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश वृहद मैदानी प्रदेश दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश श्रेणी का पूर्वोत्तर की पहाड़ी का आराकाम योमा पर्वत का और ऑप्शन डी है प्रायद्वीपीय पठार का तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर की पहाड़ी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है ऑप्शन है काठियावाड़ तट कोंकण तट मालावाड़ तट कोरोमंडल तट तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है न्यू म्यूरे द्वीप कहाँ है ऑप्शन है अरब सागर में मनार की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में और ऑप्शन डी है अंडमान सागर में तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था ऑप्शन है लक्षद्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप और आलिया बेट व खदिया बेट तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेन टाइम में कितना का अंतर है ऑप्शन है पाँच घंटे दस मिनट पाँच घंटे बीस मिनट और पाँच घंटे तीस मिनट और पाँच घंटे चालीस मिनट तो इसका उत्तर हो जाएगा पाँच घंटे तीस मिनट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल कब शुरू किए गए ऑप्शन है उन्नीस सौ छियासी उन्नीस सौ चौबीस उन्नीस सौ नब्बे उन्नीस सौ अट्ठाईस तो इसका उत्तर हो जाएगा उन्नीस सौ चौबीस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि बेलन डी और अवार्ड क्या है ऑप्शन है संगीत पुरस्कार खेल पुरस्कार लेखन पुरस्कार और फिल्म पुरस्कार तो इसका उत्तर हो जाएगा खेल पुरस्कार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं ऑप्शन है पाँच पदक छः पदक सात पदक नौ पदक तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक में सात पदक जीते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये टाइपिंग में गलती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि धोलावीरा किस राज्य में है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि नाटो का पूरा नाम क्या है पहला ऑप्शन है नॉर्थ एलाइड ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन बी है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑफिस ऑप्शन सी है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन डी है नॉर्थ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है आसियान का पूरा नाम क्या है ऑप्शन है ए कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और ऑप्शन सी है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस ऑप्शन डी है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशिया नेशंस तो इसका उत्तर हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आसान का पूरा नाम क्या है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि यूट्यूब के नए सी के रूप में किसे चुना गया है ऑप्शन है शांतू नारायण नील मोहन जॉर्ज कुरियन और राज सुब्रमण्यम तो इसका उत्तर हो जाएगा नील मोहन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया ऑप्शन है ऑपरेशन रक्षा ऑपरेशन मदद ऑपरेशन दोस्त ऑपरेशन गुडनेस तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा तो भारत का स्थान है दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि कॉफी का मूल स्थान कौन सा देश है ऑप्शन है अमेरिका, इंडोनेशिया वियतनाम यमन तो इसका उत्तर हो जाएगा यमन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि बहुफसल कृषि क्या है ऑप्शन है किसी खेत में दो फसलें उगाना ऑप्शन बी है किसी खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें उगाना ऑप्शन सी है खेत में अधिक फसलें उगाना ऑप्शन डी है किसी खेत में एक वर्ष में फसलें व सब्जी उगाना तो इसका उत्तर हो जाएगा ए किसी खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें उगाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि खट्टे रसदार फलों की खेती के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है ऑप्शन है मानसूनी प्रदेश उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश भूमध्य सागरी प्रदेश और भूमध्य रेखीय प्रदेश तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे ऑप्शन है महात्मा गांधी सिद्धराज डंडा राजीव गांधी ऑप्शन डी उप्रुक् सभी तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है ऑप्शन है केंद्र सरकार राज्य सरकार जिला न्यायाधीश चुनाव आयो, आयोग तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है ऑप्शन है विकेंद्रीकृत निर्देशालय समाजवादी और पूंजीवादी ऑप्शन डी है इनमें से सभी तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य है ऑप्शन है राष्ट्रीय आय में वृद्धि आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना ऑप्शन सी है निर्धनता निर्मूलन ऑप्शन डी है इनमें से सभी तो इसका भी उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि प्लस ऑफ एथेंस सी का लेखक कौन है ऑप्शन है प्लीनी टोलमी पी प्लस ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि बाबर नामा मूल रूप से लिखा गया है किस भाषा में ऑप्शन है अरबी में तुर्की में उर्दू में फ़ारसी में तो बाबर नामा लिखा गया है बाबर नामा ये किस में तुर्की में लिखा गया तुर्की में तुर्की में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुर्की तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस हमारा यहाँ पर समाप्त होता है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में